जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, काफी सारे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दो कोर्स का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया है जिसके लिए बच्चों को बहुत ज्यादा इंतजार था, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा एमबीबीएस प्रोफेशनल कोर्स है उसके लिए जो एग्जाम फॉर्म भरे जाने हैं, तो उसके एग्जाम फॉर्म हमारे 29 जुलाई से आने वाले हैं। यानी कि 29 जुलाई से आप अपने एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, उनकी जो परीक्षाएं हैं हो सकता है अगस्त में कराई जाएंगी। इसके आगे बात करें जो हमारा एमडीएस है, यानी कि एमडीएस कोर्स है, तो उसके लिए जो आपके एग्जाम है वो आपके 11 अगस्त से प्रस्तावित हैं। यानी कि आपके एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी गई है, आपके एग्जाम 11 अगस्त से होने वाले हैं एमडीएस के लिए। तो उसके लिए आप डेट शीट जाकर सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हैं, और मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी अपडेट की हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इससे आगे बात करें जो नए सत्र के लिए एडमिशन स्टार्ट होने हैं, तो उसके लिए कल बैठक की गई थी, तो उसमें नए सत्र में जो आपके एडमिशन होने हैं, तो नए सत्र के एडमिशन के लिए अभी सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कराए जाएंगे वो आपके बीए बीएससी के लिए कराए जाएंगे। और इसमें भी जो हमारा बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स चलता था कोर्स, तो उस पर अभी संशय बना हुआ है कि वो इस बार चलेगा या नहीं चलेगा। तो जैसे ही कुछ क्लेरिफिकेशन होती है तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर कि बीए या बीएससी ऑनर्स के लिए इस बार एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। इससे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। अब किस किस कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो साथ ही जो हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो किया गया है एमएससी एग्रीकल्चर, और जिसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान थे वो था हमारा बीसीए। तो बीसीए में जो थर्ड सेमेस्टर है उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, बीसीए वाले थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद में जो एमएससी वाले बच्चे हैं, तो एमएससी के भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।